माननीय पीजी शर्मा जी के हनुमान कहे जाने वाले पार्षद भोपाल के श्री गुड्डू जी, उपस्थित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी का आज के इस पंचमढ़ी महोत्सव में उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित सैलानीगण, सभी सम्मानित बुद्धिजीवी, होशंगाबाद जिले आसपास से आए हुए, छिंदवाड़ा जिले से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, उपस्थित सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सभी सम्मानित माता बहन, सभी सम्मानित नौजवान साथीगण, उपस्थित सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं कि जो स्थानीय लोगों ने 30 वर्ष पहले पंचमढ़ी महोत्सव की शुरुआत की थी, आज ये महोत्सव एक भव्य रूप ले रहा है। और ये भव्यता हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जैसा कि यहाँ पर हमारे नगर परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं आदरणी जायसवाल जी ने, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने और जिला प्रशासन ने भी इस बात के लिए अनुरोध किया है कि ये उत्सव ये सरकारी कैलेंडर में दर्ज हो, और संस्कृति विभाग जिस तरह से खजुराहो उत्सव अन्य उत्सव आयोजित करता है, उसी तरह से पचमढ़ी महोत्सव की भी शुरुआत हो। हम आपको विश्वास ही नहीं बल्कि हम घोषणा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, आदरणीय पीसी शर्मा जी और हम मिलके, ये अगला महोत्सव जो आपका पचमढ़ी का है, ये पचमढ़ी महोत्सव जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग अगले महोत्सव में 100% लेके आएंगे, आप ये आपको विश्वास दिलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इच्छुक थे यहाँ आने के लिए, बहुत इच्छुक थे, समय अभाव था, पहले से सुनिश्चित ही था। थोड़े दिन समय पहले माननीय प्रभारी मंत्री जी और जिला प्रशासन ने उनसे अनुरोध किया था, मेरी भी चर्चा हुई थी, पीसी शर्मा जी थे और बहुत इच्छुक थे, उनकी बहुत इच्छा थी। और यहाँ जो शिव भगवान के जो अलग अलग स्थल है वहां भी उनको जाने की बहुत इच्छा है, और वो यही चाहते थे कि जब हम वहां जाएंगे तो जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं हमें वहां भी माथा टेकने जाना होगा। इसलिए हम इस उत्सव में सिर्फ 2 घंटे के लिए शामिल होने के लिए, ये अच्छा नहीं कहलाएगा, वो यहाँ आने के लिए और इस उत्सव की भव्यता के लिए जितना हमने उनको समझा और जिस तरह से उन्होंने पूरा विश्लेषण किया कि ये तो हमारे छिंदवाड़ा से बिल्कुल एडजॉइनिंग है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा छिंदवाड़ा जिला का ही ये पार्ट है, तो जिस तरह से उनकी अभिलाषा थी, जिस तरह से जिज्ञासा थी इस उत्सव के शामिल होने के लिए, ये हम कह सकते हैं कि ये उत्सव, और हम घोषणा भी करते हैं कि ये उत्सव अगली बार जैसा आप चाहते हो संस्कृति विभाग का सरकारी उत्सव होगा, ये करवाने की जिम्मेदारी हमारी और आदरणीय पीसी शर्मा जी की है, और हमको पूरा विश्वास है कि ये उत्सव हम लोग अभी से चर्चा करके और अभी से इसको जो है ना अगले एकेडमिक कैलेंडर में इसको हम लोग प्रस्तावित करवा देंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बहुत कम समय में और जितना व्यवस्थित तरीके से हमारे जो आजीविका मिशन की जो दीदियां हैं उनके लिए आपने जिस तरह से उनके जो हैंडीक्राफ्ट जो तैयार करते हैं, हस्तशिल्प जो तैयार करते हैं, जो वस्तुएं तैयार करते हैं, उनको बेचने के लिए उनको एक जो आपने एक केंद्र पचमढ़ी उत्सव में अवेलेबल कराया है, उनको जो एक जगह दी है, इससे हमारी बहनों में तरक्की होगी, उनको उनका आय का जरिया बढ़ेगा। उसके लिए भी हम आयोजक साथियों को, जिला प्रशासन को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से चिंतित है आजीविका मिशन की दीदियों को लेके, स्व सहायता समूह की दीदियों को लेके, अभी जो पिछली हमारी कैबिनेट बैठक हुई है उसमें जो पहले हमारी दीदियों को, स्व सहायता समूहों को 24% में जो ब्याज देना पड़ता था
कि आज के जो छोटे छोटे लोन लेते हैं हम समूह के हमारे ग्राम सहायता समूह के जो हमारी दीदियां हैं जो लोन लेती थी उनको 24% ब्याज देना पड़ता था उसको घटा के 12% करने का काम किया है और बल्कि एक निधि भी सुनिश्चित की है कि 30,000 तक का लोन हमारी दीदियां उनके लिए एक मत तैयार किया है और उसमें से वो 0% के ब्याज में भी ऐसा कैबिनेट में निर्णय माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में लिया गया है और इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये उनकी इच्छा है कि हमारे जो गांव में रहने वाले जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं जो दीदियां हैं वो स्वावलंबी बने उनको आय का जरिया तैयार हो और हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नए नित नए काम कर रही है और गरीबों को किसानों को मजदूरों को उठाने का काम कर रही है। उनको चाहे हर क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि संस्कृति के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण टूरिज्म का भी प्रस्ताव कैबिनेट में पारित हो चुका है कि हमारे जो टूरिस्ट प्लेस है उससे लगे हुए जो हमारे विलेज है जो गाँव है वहाँ भी जो हमारी संस्कृति है जो कल्चर है जो खान पान है रहन सहन है जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको भी इसका अवसर मिले और वो वहीं रुके वहाँ का देखे कि किस तरह का खान पान है किस तरह का रहन सहन है। जैसा कि राजस्थान में या आदर्श कंट्री में इस तरह की व्यवस्था है वो मध्य प्रदेश में भी लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव भी पारित करा दिया है इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसके माध्यम से जहां एक तरफ नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे तो दूसरी तरफ विकास भी होगा और हमारी जो कला है संस्कृति है उसका संरक्षण भी होगा इसका भी मौका मिलेगा। आज के इस आयोजन में ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम इतना जरूर कहेंगे कि आप सब ये जो उत्सव है पचमढ़ी उत्सव है हमारे जिला प्रशासन के सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं और जो सैलानी हैं जो इसमें सहभागिता कर रहे हैं और जिनको ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया है जिनका मिशन भी जो हमारी मीडिया है अन्य जो हमारे जिले के लोग हैं इसको और अच्छे से अच्छे करने में और आपका जो 6 दिन का ये उत्सव है ये 6 दिन का उत्सव सफल हो इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं बधाई देते हैं कि इसकी भव्यता दिन प्रतिदिन बढ़े और अगले वर्ष का जैसा हमने कहा है जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।